गहलोत या पायलट खेमे में से जिसको भी ज्यादा टिकट मिलेगा नतीजों के बाद इसका फायदा उस खेमे को मिल सकता है। सचिन पायलट 6 जुलाई को दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई बैठक के बाद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उसके पीछे बड़ा कारण टिकट बंटवारे में सचिन पायलट को ज्यादा महत्व मिलने की संभावना हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहने पर अशोक गहलोत के लिए प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के मंसूबे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अशोक गहलोत किसका एहसास है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 9 अगस्त को ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को मंजूरी दी है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 35 नाम शामिल है। इसमें गहलोत के समर्थक माने जाने वाले महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर को जगह नहीं मिली है। इसके साथ ही इस कमेटी में पायलट के समर्थक माने जाने वाले नेताओं को खूब जगह मिली है। अब 72 साल के अशोक गहलोत को डर सता रहा है अगर सचिन पायलट के समर्थकों को ज्यादा टिकट मिल गया, उनमें से ज्यादा लोगों को जीत मिल गई तो स्थिति बदल जाएगी। एक तरफ से ये गहलोत के राजनीतिक भविष्य के अंत की शुरुआत होगी। यही वजह है कि दबाव के साथ टिकट बंटवारे पर मंथन जोरों पर है। सचिन पायलट की ओर से जुबानी बाण चलाने का दौर भी थम गया है। ऐसे में पुरानी बातों का जिक्र कर गहलोत दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व के साथ ही टिकट बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले पार्टी रणनीतिकारों पर भी दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि अशोक गहलोत के इस रवैये से कांग्रेस की राजस्थान की सत्ता में बने रहने के मंसूबे को धक्का लग सकता है। सचिन पायलट एक युवा नेता के तौर पर बेहद लोकप्रिय है। पिछली बार कड़ी मेहनत से पार्टी को जीत दिलाने में कामयाब होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अशोक गहलोत के खिलाफ पिछले 4 साल में लगातार मुखर रहने के बावजूद अंत तक उन्होंने जिस संयम का परिचय दिया ये उनकी राजनीति परिपक्वता को ही दिखाता है। और 2023 के लिए यकीनन सचिन को कोई आश्वासन जरूर मिला है।